अमरदास जी ने अपने हाथी बौली का निर्माण किया। अकबर ने बैठ के लंगर छकिया, गुरु अमरदास जी के अपने हाथी इस बौली का निर्माण किया गया। दर्शको आप गोइंदवाल साहब पहुँचने वाले ही हाँ, तो रस्ते पहला पैंदा ब्यास दरिया, ये टप के इस तो अगला पिंड नाल ही गोइंदवाल साहब। तो पहला मैं तुम चलो आ दिखा दीए, ये पानी बहुत आया हुआ ज़्यादा नहीं, गांव फोन करना उन्हें डिग जाए थले। देखो इधर जाता है सीधा ये पाकिस्तान, तो इधरों आता है ब्यास दरिया। अगे जा के इधर मिल जाते सतलज ते ब्यास, दोवें कट्ठे मिल जाते कि जो सबब बनया तो तुहानू भी दिखावांगे। मखू जीरे के लागे जाके कट्ठे हुंदे आ ये ब्यास दरिया। हवा भी बहुत चलती है, अपना घोड़ा ते आए आप, पिछे आ पुलिस वाले का नाका। तो चलो चलते हैं हुण आपां जितन चले सीगे ते दोस्तों ये गुरुद्वारा बौली साहब का मेन गेट। हाँ जी दर्शकों स्वागत है तुहाडा अज दी एक नवी वीडियो च। ते अज तुहानू असीं लै के आए सीगे गोइंदवाल साहब पवित्र स्थान ते, जिथे गुरु अमरदास जी ने अपने हाथी बौली का निर्माण किया। 84 पौड़ियां का इतिहास तुहानू भी दिखावांगे। तो इत्थे अपने अकबर बादशाह भी चल के आए थे, जिथे उन्होंने लंगर छकिया से, तुहानू सारियां जगहां दिखावांगे। तो बने रहो वीडियो के नाल लास्ट तक, वीडियो तुहानू जरूर देखियो। तो आओ चलते हैं अगे दर्शको, ये आओ पवित्र बौली साहब पातशाही तीसरी लिखा हुआ, जिहदा निर्माण गुरु अमरदास जी ने अपनी हत्थीं कीता सी। सो पहला तुसीं आ थोड़ा पढ़ लिओ पाउस करके, है ना, ते इन्हूं पाउस करके जरूर पढ़ो। मेन तुसी पंजाबी पढ़नी आ, ते जां तुसी अंग्रेजी पढ़ लिओ, है ना। ते आओ चलते हैं, इन्हूं पाउस करके पढ़ लिओ मेरा भी सारे जने। ते आओ चलते हैं आपां हुण थल्ले बौली साहब के दर्शन करन चलते हैं, 84 पौड़ियां। दर्शको ये थले जाने तो पहला जरूर पढ़ लियो, ये जिहड़ी पौड़ियां जां पुछां वास्ते आ, ते अपना कीमती समान तुसी संभाल के रखियो। गुरु अमरदास जी ने कहा सीगा कि जे कोई इंसान अपने 84 लाख जूनां तो मुक्ति चाहुंदा आ, ते ये 84 पौड़ियां ते कल्ली कल्ली पौड़ी ते वेख के वाहिगुरू दा जाप करे, नितनेम करे, जपजी साहब दा पाठ करूगा, वो इंसान अपने 84 लाख जूनां तो मुक्ति पाऊगा। दर्शको कर लो दर्शन बौली साहब दे, देखो गुरु अमरदास जी दे अपने हत्थी इस बौली का निर्माण किया गया। 84 पौड़ियां कट के जो भी संगत इत्थे सच्चे मन दे नाल नितनेम पाठ करती आ, उहदियां 84 जूनां कट्टियां जांदियां। वाहेगुरु वाहेगुरु। ये गुरुद्वारे का बैक साइड हिस्सा जाता है, तो ये अपने बौली साहब जिहड़ा तान उपर बनाया हुआ है,
गुंबद जिन्हों कह दें इधर थोड़ा जहा दिखता होना तुम बौली साहब जो आप एंटर होंगे तो ये नाल इधर सामने वाली साइड दीवान सजाया हुआ है जी। इतने जो कोई समागम हों होना ज कीर्तन वगैरह हों होना तो इतने दीवान सजता होना जी। होर भी बहुत चीज़ा आ चलो दिखाने तू दोस्तों लंगर हाल जिथे कदे अकबर ने बैठ के लंगर छकिया सी ते सिखां दी मतलब प्रथा तो खुश हो के उन्हें लंगर प्रथा कह लिए जां सिखां ने उहदा मान सत्कार किया सी खुश हो के उन्हें कुछ जमीन मतलब गुरु जी दे नां कर दित्ती सी। बहुत खुश होया सी अकबर। सो दोस्तों वीडियो तुहानू किवें दी लगी कमेंट सैक्शन जरूर दस्यो ते वीडियो नू वध तों वध शेयर जरूर करियो ते मिलदे आं अगली वीडियो च। धन्यवाद।